देश में बिगुल बज चुका है चुनाव का, ऐसे में सिरों की गिनती से तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी के साथ कितनी संख्या है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष्य पर लाखों लोग जब हिसार में एकत्रित होंगे तो वो दर्शाएगा जेजेपी की ताकत को, और जेजेपी उसी दिन से आगाज कर देगी अपने लोकसभा चुनाव कैंपेन। गठबंधन को लेकर के मैं केवल मात्र इतना कहूंगा कि गठबंधन का फैसला पार्टी दोनों ही पार्टियों की लीडरशिप ने करना है, दोनों पार्टियों के सीनियर नेतृत्व करना है। मैं क्या कहता हूं, कोई और क्या कहता है, अब इन बातों पर ना जाकर के उस दिन का इंतजार करें। अन्यथा अगर गठे लड़ेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर एक साथ नहीं लड़ने का फैसला हुआ दोनों पार्टियों के बीच में एमिकेबली तो हम उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं, और उस स्थिति के हिसाब से ही हम 10 की 10 उस पर तैयारी कर चुके। पता नहीं क्या हो राजनीति में, इनेलो कांग्रेस की ध्रुव विरोधी रही, चौधरी देवीलाल जी ने सदैव विरोध किया। अगर वो चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी हैं सच्चे तो कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं, हुड्डा के साथ कैसे जा सकते हैं जिसने मेरे दादा और पिता को 10-10 साल की कैद सुनवाई। अगर आज के इनेलो के नेतृत्व का जमीर ही मर चुका है तो बात अलग है, फिर तो कहीं भी चले जाओ। हम तो नहीं कहते कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना ही कभी कल्पना कर सकते हैं ना सोच सकते हैं। तो ये अगलों की सोच है, राजनीतिक लोभ लालच के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, जो कि असंभव है मगर फिर भी सत्ता हथियाने के लिए अगर उन नीतियों को, उस सोच को, उस विचार को, उस विचारधारा को ठोकर मार करके कोई आगे बढ़े तो उनकी सोच है। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार सा तो है नहीं, कोई ऐसा छवि, कोई आधार नहीं है। बाकी राजनीति में क्या हो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, अभी हाल फिलहाल यथास्थिति यह है कि कांग्रेस का गठबंधन आज की सत्तारूढ़ गठबंधन को मुकाबला देने में सक्षम नहीं है। कल क्या हो, क्या फैसले हो, इस प्रकार ऐसा है कि आज के दिन एनडीए बहुत मजबूत है, और अगर सीट शेयरिंग सारी सब कुछ ठीक हो गई तो मेरे हिसाब से 400 पार किनारे को भी हम पूरा कर लेंगे। क्या लोकसभा चुनाव भी गठबंधन में एनडीए की बैठक फैसला करेगी, मैं तो आज इस पे नहीं कह सकता, और अगर बैठक होगी नहीं उसके बाद के निर्णय उसके बाद। चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी आए थे, उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर। वीरेंद्र सिंह जी से ये पूछ लो, 1 साल हो गया, पहले धमकी दी थी गठबंधन तोड़ोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, 1 साल से तो उन्होंने छोड़ी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में या देश में भी ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो सन्नी देओल की मूवी में नहीं तारीख पे तारीख दिया करते थे, उस तरीके से सिर्फ अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे। अगर उन्हें निर्णय करना है तो निर्णय अपनी राजनीतिक तौर पर ले, जननायक जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे। अगर हमारा अलायंस रहेगा तो मजबूती के साथ रहेगा, और 4.5 साल मुझे नहीं लगता हरियाणा की तरक्की में हमने कोई कसर छोड़ी, और जिस दिन टूटेगा मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी या किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनके परिवार की फ्रस्ट्रेशन तो ये दिखती है कि उचाणा के अंदर विकास क्यों हुआ, उनके समय के अंदर कितना पिछड़ा उचाणा था, आज कितना आगे बढ़ा है, उस फ्रस्ट्रेशन को वो कहीं ना कहीं हमारे अलायंस पे निकालते हैं। मैं तो ये मानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से दोनों संगठनों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश के आमजन को सहूलियतें दी है। 14 फसलें हम MSP पर खरीदते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, चाहे वो सड़कों का नेटवर्क हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस का नेटवर्क हो, चाहे वो व्यवस्थाएं जो डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज की दी, पीला राशन कार्ड है, आपकी फर्द है, आपकी पेंशन है, ये सहूलियतें दी है, और ये मिलकर ही हमने मुमकिन कर पाया है, और आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलकर करेंगे। अगर उसमें 19-21 होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के प्रमाण की जरूरत है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों ओलावृष्टि से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कई जगह क्रॉप लॉस हुआ। आज मैं उचाणा में भी आता हुआ देख रहा था, ओलो से यहाँ भी क्रॉप लॉस हुआ है। क्षतिपूर्ति पोर्टल को 1 तारीख को खोल दिया गया था, फार्मर दिन प्रतिदिन उस पर अपनी फसलों के नुकसान को अपलोड कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि जैसे ही 15 तारीख को सभी किसानों की क्रॉप लॉस के अपडेशन आ जाएगी, इमिडिएटली क्षतिपूर्ति सहायक के हमने आदेश दे दिया, उनको लगाकर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करेंगे,
और हम किसान का मुआवजा भी तुरंत उसके बाद उसके खाते में दिसंबर। सर अनुराग डांडा कहते हैं डिप्टी सीएम ने कहा था गठबंधन के लिए सवाल करते थे, हमारा तो हो गया अभी वो देखें उनकी छड़ी। चलो अनुराग जी ये भूल जाए कि पिछली बार हमारे साथ 3 सीटों पे आए थे, आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, 3 की 5 पे 10 पे जाना चाहिए था, मगर वो हमारे साथ 3 पे थे और ऐसी मजबूरी क्या कि कांग्रेस के साथ 1 पे ही रुक गए। और मैं तो उम्मीद रख रहा था अनुराग जी चुनाव लड़ते, वो बेचारे सुशील जी फंसा दिए। ये तो जनता है, कांग्रेस जिस प्रकार से बैसाखियों का सहारा ले रही है, कांग्रेस की तो नैया डूबेगी डूबेगी। मुझे लगता है दिल्ली में जो सीटें केजरीवाल जी ने उनको दी है वो केजरीवाल को भी ले डूबेगी।